पावर प्ले का लास्ट ओवर चलता हुआ राहुल चौधरी के द्वारा। पटका हुआ बॉल बाउंस मारना चाहते थे लेकिन विकेट में इतना उछाल है नहीं, लेकिन बैट्समैन हल्का सा झिझके, डरे से हमें लगे। कर लो ना इसको, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से निश्चित रूप से मिलेंगे 6 रन राहुल चौधरी के ओवर में। ये दूसरा सिक्स विजय चौधरी के बल्ले से निकलने वाला, ये तीसरा सिक्स, क्या खूबसूरत बैटिंग की अभी तक इन्होंने। हाँ, जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फील्डिंग में बदलाव किया था, नरेंद्र को लेके आए थे गेंद फील्डिंग में, तो पहले ही समझ आ गया था कि नरेंद्र उर्फ नंदा को गेंदबाजी अटैक पर लेके आएंगे। नंदा एक बार फिर डीके के लिए, लॉग ऑन और मिड विकेट के बीच में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, दौड़कर एक रन पूरा किया। नाइट का ध्यान रखना। चलने की आवाज पूरे दिन ही नहीं आई लाइट। नंदा अब की बार विक्की चौधरी के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर और कीपर से हल्की सी मिसफील्ड, बाई के चलते मिलेगा एक रन। सातवां ओवर प्रोग्रेस पर 8 की करंट रन रेट से रन बनते हुए, एक और विकेट लाइन की बॉल प्लेट किया। कवर्स की फील्डर की बात की जाए तो रवि चौधरी को लगाया गया वहां पर। एक बार फिर नरेंद्र नंदा, डाउन द लेग, लेग बाई के चलते मिल जाएगा एक रन, डायरेक्टेड जरूर लगी है। दूसरे रन की कॉल है और निश्चित रूप से बैट्समैन थोड़ा आगे निकल गए थे, उसी के चलते रन नहीं हो पाया और ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55, 55 रन एक विकेट के नुकसान पर जाट टाइटंस टीम। लाइव जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, ये मैच जाट योद्धाज वर्सेज जाट टाइटंस के बीच में खेला जा रहा है। जिसमें जाट टाइटंस ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया, जो कि काफी हद तक सही साबित हुआ अभी तक जाट टाइटंस के लिए। गोल वाली
परमवीर मोर स्पिन गेंदबाजी अटैक को लगाया गया है अब जाटियो दास की तरफ से। ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन मिल जाएगा आसानी से, दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर वह 57 रन। एक और बढ़िया शॉट यहां पर और मिलेंगे निश्चित रूप से 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा उछाल भरता हुआ 63-63 रन। डीके के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्स, डीके 412 नाम रखा हुआ है उन्होंने। करंट रन रेट में हल्की सी उछाल 8.5 से ऊपर जाती हुई, और पार्टनरशिप की बात की जाए तो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। विक्की चौधरी एंड डीके के बीच में 19 बॉलों का सामना किया और 32 रन की पार्टनरशिप हुई है। ये एक बढ़िया संकेत, बढ़िया खबर जयपुर जाट टाइटंस के लिए। एक बार फिर कवर्स पे दौड़कर एक रन पूरा किया, स्ट्राइक पर होंगे अब विक्की चौधरी। एक और पटका हुआ बॉल, अब की बार डीप कवर क्षेत्र में खेला गया शॉट, निश्चित रूप से एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक और बढ़िया बॉल कवर्स पे नरेंद्र मौजूद, लास्ट बॉल आना से इस ओवर से छक्का खाने के बाद वापस कमबैक किया यहां पर परमवीर मोर ने। एक और बढ़िया शॉट है डीप कवर क्षेत्र में, ज्यादा गुण दी नहीं, कोई बात नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर 66। आठ ओवर में 66 रन 1 विकेट, और करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.25 की करंट रन रेट चलती हुई। शानदार ये मुकाबला जाट टाइटंस के लिए, अभी तक बैटिंग का निर्णय काफी हद तक सही साबित हुआ है, 1 विकेट गवाकर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 66 रन। नंदा को लेकर आए वापिस, सीधा मारा गया शॉट, फील्डर संजय वहां लेकिन नहीं रोक पाएंगे। लंबी दौड़ जरूर थी संजय सिंह की, लेकिन लंबी दौड़ के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए और अंजाम वही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर हुआ 70 रन। आ रही है भैया लाइव? लाइव में नहीं आई, उसमें आएगी यूट्यूब पे। लाइव नहीं चल रहा है भैया, यूट्यूब पे आएगी, नहीं चल रहा वो, गई ना लाइट, लैपटॉप बंद, लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग, लाइट ही नहीं आ रही भैया, हम क्या करें, लाइट ही नहीं आ रही, बाद में चल जाएगा नहीं तो। आ रही है, थोड़ा दूर बैठे हो आप माइक से, इधर है लाइट, थोड़ा सा पास लो माइक को।
बोल लो बहुत अच्छा कवरिंग करूंगा देखना मजाक नहीं इससे होगा ना वो नो चांस भाई फील्डर फॉर 4 रन्स मिस फील्डिंग के चलते लोकपाल वहां पर मौजूद थे लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और 4 रनों के साथ बढ़कर हुआ स्कोर 77 रन। इस एंड से लास्ट ओवर फेंका जा रहा है परमवीर मोर के द्वारा, एक और बढ़िया शॉट निश्चित रूप से मिलेंगे 6 रन। एम्पायर सिग्नल 6 रन और इन 6 रनों की मदद से स्कोर उछाल भरता हुआ 83। तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो निर्णय लिया था वो काफी हद तक सही होता हुआ जाट टाइटंस के लिए। क्या बढ़िया पार्टनरशिप निकल कर आई है, 31 बॉलों पे 52 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, विक्की चौधरी और डीके के। उठा के मारा है अब की बार, निश्चित रूप से मिलेंगे 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 90 रन। एक और कट शॉट और कट शॉट के चलते निश्चित रूप से मिलेगी बाउंड्री। बहुत ही बढ़िया ओवर घटित हुआ है ये टाइटंस के लिहाज से देखा जाए तो। इस ओवर में काफी के महंगा ओवर साबित हुआ है ये, अभी तक 20 रन आ चुके हैं, 21 रन इसमें और लास्ट बॉल आना शेष। एक और बढ़िया बॉल डॉट बॉल और क्या हुआ जी हाँ, अब आपको बता दें छोर बदला है, क्या कहानी बदलेगी यहाँ से। लेकिन जाट टाइटंस की तरफ से देखा जाए तो एक बढ़िया टोटल लग चुका है स्कोर पर। आधी इनिंग अभी समाप्त हुई है, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 94 एक विकेट के नुकसान पर और सेट बैट्समैन दोनों क्रीज पर मौजूद विक्की चौधरी और डीके। विक्की चौधरी की बात की जाए तो 28 बॉलों का सामना किया, 47 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 167 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए। और डीके की बात की जाए तो 21 बॉलों का सामना किया, 35 रन 3 चौके 2 छक्कों की मदद से। तो बढ़िया पार्टनरशिप यहां पर लगी है दोनों के बीच में, 35 बॉलों पर 63 रन की पार्टनरशिप निकल कर आई है। ये एक बढ़िया खबर, बढ़िया संकेत यहाँ पर जाट टाइटंस के लिए। Thank you.
से होगा लोग। अच्छा ठीक है, क्या बात है यार, चोट वाली चढ़ाने इसको दर्शकों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पर, लाइट में कल से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लाइट की वजह से। पावर प्ले का खेल हुआ है यहाँ पर, वो सॉरी 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, जिसमें एंड चेंज होने के बाद अब क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन गेंदबाजी अटैक पर लेकर आए अब लोकपाल सिंह को, स्पिन गेंदबाजी, संजय सिंह। फील्डिंग की बात की जाए तो डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉग ऑन, एक्स्ट्रा डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। फुल चढ़ा दे इसको ऊपर कोने पे से, बस आ जा। जी हाँ, करारा शॉट यहाँ पर और रोकने में सफल हो गए हैं। अपील बेहतरीन लेकिन कोई प्रभाव नहीं एम्पायर लूसी के ऊपर। एक और बढ़िया शॉट, यहाँ पर 100 रन हुए हैं कंप्लीट। अब डीप एक्स्ट्रा कवर को बाहर किया गया है, ऑन साइड की फील्डिंग पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। 10.3 में स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 100 रन। एक बार फिर लोकपाल सिंह डीके के लिए, बाहर का बॉल, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। यहां से हलचल सी मचा दी है दोनों ही बैट्समैनों ने अपनी पारी में, शायद कैच था कीपर के द्वारा, कैच ड्रॉप। पचास के करीब खड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्या अपनी 50 पूरी कर पाएंगे। हल्के हाथों से खेला, ओवर की हुई है समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 103 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ से बिल्कुल शुरुआत तो बहुत बढ़िया मिली है, मजबूत स्थिति में जा टाइटंस की टीम। अब गेंदबाजी अटैक पर शायद नरिंदर को लेके आए नंदा,
फील्डर को चेंज किया गया है, एक्स्ट्रा फील्डर बुलाया गया है। थोड़ी तकलीफ थी फील्डर को, हाँ नरेंद्र उर्फ नंदा को लेकर आए गेंदबाजी अटैक पर। डीके जड़ में डाला गया, जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा था लेकिन रोकने में सफल हुए और एक रन से नहीं रोक पाएंगे। अब स्ट्राइक पर रहेंगे विजय चौधरी, विक्की चौधरी, जो कि दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो अर्धशतक के आसपास खड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। सिलॉट डिलीवरी, डॉट बॉल मिलेगी यहां पर। एक बार फिर विक्की के लिए, लटका कर डाली थी ये बॉल और विकेट लाइन में थी लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। विक्की मात्र अपने अर्धशतक से दो रन दूर और डीके की बात की जाए तो डीके को अर्धशतक में चाहिए मात्र 6 रन। लटका के जरूर डाली है नीचे फील्डर, जी हाँ कर लेंगे कैच लोकपाल सिंह, बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर। और विक्की की पारी का हुआ अंत मात्र 2 रन दूर, सॉरी डीके की पारी का मात्र 6 रन दूर रहे अपने अर्धशतक से लेकिन 44 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके आए राजा।